इमामगंज मुख्य मार्ग पर चौगाई बाजार में ताबड़तोड़ फायरिंग मामले में पुलिस ने चंदौती थाना क्षेत्र के अलीगंज से अपराधी सोहेल अंसारी को गिरफ्तार किया है, जो अरवल जिले रहने वाला है। उसके पास से एक पिस्टल, दो खोखा, एक बाइक एवं एक मोबाइल जब्त किया गया है। सोहेल ने अशोक कुमार फायरिंग की थी, क्योंकि दोनों गया शहर में एक ही स्थान पर मैकेनिक दुकान चलाता है। वहीं अशोक कुमार जनरल बाइक रिपेयरिंग करता है। सोहेल अंसारी की दुकानदारी मंद होने के कारण अशोक कुमार पर उसने फायरिंग की थी। रोशनगंज थाना क्षेत्र अंतर्गत चौगाई मोड़ के पास एक व्यक्ति के द्वारा फायरिंग की घटना कारित की गई है। तुरंत वहां पर रोशनगंज थाना की पुलिस टीम वरीय पदाधिकारियों को सूचित करते हुए वहां पर पहुंची और एक व्यक्ति को हथियार एवं कारतूस के साथ गिरफ्तार किया, जिसका नाम है सुहेल अंसारी, जो कि अरवल जिला का रहने वाला है और वो गया में वर्तमान में अलीगंज में रहता था। और उसके पास से एक पिस्टल, दो जिंदा कारतूस, एक मोबाइल तथा घटनास्थल से दो खोखा और एक मोटरसाइकिल बरामद हुआ है। इस मामले में जब उसे अनुसंधान के क्रम में पूछताछ किया गया तो उसके द्वारा बताया गया कि वो एक मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर दुकान में काम करता है और उसके बगल में ही जो पीड़ित पक्ष है वादी, उसका भी मोटरसाइकिल सर्विस सेंटर का दुकान है और इसी में आपस में विवाद था और प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए उसके द्वारा इस प्रकार की घटना कारित किया गया है। इसका आपराधिक इतिहास अरवल जिला से प्राप्त किया जा रहा है और इसके विरुद्ध जो रोशनगंज थाना कांड संख्या 86/24 दर्ज कर अग्रतर कार्रवाई की जा रही है। इसका नाम है सुहेल अंसारी, जो कि ओली दाद थाना मेहंदिया जिला अरवल का रहने वाला है।